यूपी में हार कर भी जीत गई कांग्रेस की खूंखार शेरनी प्रियंका गांधी। भाजपा में मचा हड़कंप। यूपी चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल गई है। दो तिहाई बहुमत के साथ पार्टी फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। अब बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस 403 में से सिर्फ दो सीटों पर आगे दिख रही है। अब इस परिणाम पर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी व जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती रहेगी। अब प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में महिला शक्ति पर अपना पूरा जोर दिया था। 50% सीट भी महिला उम्मीदवारों को ही दिया गया था, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि पार्टी का ये दाव उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया है। पार्टी का वोट प्रतिशत 2% के आसपास रह गया है और सीटें तो महज दो ही मिलती दिख रही हैं। यूपी के अलावा पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहां पर आम आदमी पार्टी की आंधी ने उसका सफाया कर दिया है। पंजाब में आप सभी 92 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस महज 18 सीटों पर ही लीड में दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पराजय का सामना करना पड़ा है और कई दूसरे दिग्गज भी मुंह की खा गए हैं। वैसे पंजाब की हार पर तो चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रतिक्रिया दी है। चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावी नतीजों पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पंजाब के लोगों का जनादेश मैं स्वीकार करता हूँ, आप और भगवंत मान को मैं जीत की बधाई देता हूँ।